हमारे YouTube चैनल Inspire Edu Point में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पपीता के साथ फायदे के बारे में जानेंगे। यह पाचन में मदद करता है। पपीते में पेपेन नामक एक एंजाइम होता है जो पाचन में सहायता करता है। वास्तव में यह एक मांस निविदा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पपीता में फाइबर और पानी की मात्रा भी अधिक होती है, दोनों कब्ज को रोकने और नियमितता और एक स्वस्थ पाचन तंत्र को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। यह अस्थमा की रोकथाम में मदद करता है। अस्थमा के विकास का जोखिम उन लोगों में कम होता है जो कुछ पोषक तत्वों की अधिक मात्रा का सेवन करते हैं। इनमें से एक पोषक तत्व बीटा कैरोटीन है जो पपीता, खुबानी, ब्रोकोली, कैंटालूप, कद्दू और गाजर जैसे खाद्य पदार्थों में निहित है। यह इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। पपीता विटामिन ए, बी, सी और के का एक बड़ा स्रोत है और इसे एक उत्कृष्ट प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में जाना जाता है। यह बालों और त्वचा सहित शरीर के ऊतकों की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। यह कोलेजन संयोजी ऊतकों के संरचनात्मक प्रोटीन को बनाए रखने में मदद करता है। यह कहा जाता है कि एक मध्यम आकार का पपीता आपको विटामिन की दैनिक आवश्यकता को दोगुना कर सकता है। यह मधुमेह में मदद करता है। अध्ययनों से पता चला है कि टाइप 1 मधुमेह वाले लोग जो उच्च फाइबर वाले आहार का सेवन करते हैं उनमें रक्त शर्करा का स्तर कम होता है और टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा, लिपिड और इंसुलिन के स्तर में सुधार हो सकता है। एक छोटा पपीता लगभग 3 ग्राम फाइबर प्रदान करता है जो सिर्फ 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के बराबर है। यह हृदय रोग में मदद करता है। पपीते में मौजूद फाइबर, पोटेशियम और विटामिन की मात्रा दिल की बीमारी को दूर करने में मदद करती है। सोडियम सेवन में कमी के साथ पोटेशियम के सेवन में वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण आहार परिवर्तन है जो एक व्यक्ति हृदय रोग के अपने जोखिम को कम करने के लिए कर सकता है। यह त्वचा और हीलिंग में मदद करता है। जब शीर्ष रूप से उपयोग किया जाता है तो मसला हुआ पपीता घाव भरने को बढ़ावा देने और जले हुए क्षेत्रों के संक्रमण को रोकने के लिए फायदेमंद प्रतीत होता है। शोधकर्ताओं का मानना कि पपीते में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ट्रोपोपेन और पपेन उनके लाभकारी प्रभावों के लिए जिम्मेदार हैं। पपेन एंजाइम युक्त मलहम का उपयोग डिकोबाइट सल्सर बेडोरेस के इलाज के लिए भी किया गया है। यह प्रोस्टेट कैंसर को रोक सकता है। तरबूज लाइकोपीन में उच्च होते हैं जो उन्हें टमाटर के समान लाल वर्णक प्रदान करता है। लाइकोपीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जिसका प्रोस्टेट कैंसर के खिलाफ पुरुषों की रक्षा करने की क्षमता के लिए बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।